गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हमें कुसुम सरोवर पे आप देख सकते हो भाई क्या नज़ारा है। अभी मैं वैसे भी नज़ारा देता हूँ, अपना लिटिल चैम्प शो बहुत ज्यादा ही खुश होता हुआ यहाँ पे आके। हाँ भाई कैसा लग रहा है गाइस? वहाँ पे देख सकते हो आप, वहाँ शूटिंग चल रही है किसी नए सॉन्ग की, मतलब यहीं का लोकल सॉन्ग है। और यहाँ का कुछ व्यू ऐसा है सिस्टम। तो गाइज ये यहाँ पे हुंडे है और यहाँ पे ये लगे हुए हैं फोटो खिंचवाने के लिए। यहाँ पे आप फोटो भी खिंचवा सकते हैं तगड़े से, बहुत सही सीन हो रहा है। यहाँ पे शूटिंग चल रही है, दिखाया ही था मैंने आपको। और इसके बाद इसमें ये शायद से यहाँ पे वो होता है जो फाउंटेन पे ऊपर प्रोजेक्शन होता है, जो कि जयपुर में भी होता है, हमारे बरेली में भी है। तो मुझे तो वही लग रहा है, बाकी पता नहीं। और रात में तो भाई क्या ही लगता है, ये महल बहुत तगड़ा सीन आता है यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे ये सारी RGB लगी हुई है जो यहाँ पे फोकस मारती है। और भाई पास से क्या महल लग रहा है, बहुत ज्यादा तगड़ा। सो गाइस यहाँ पे मैं हूँ अभी गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पे। यहाँ पे लोग परिक्रमा कर रहे हैं, कोई पैदल कर रहे हैं तो कोई ई रिक्शा से कर रहे हैं, और कोई लेट लेट के भी परिक्रमा कर रहे हैं। भाई डेडिकेशन होनी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, और वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो आप देख ही सकते हैं। अगर मौका मिला तो मैं किसी से बात करके भी बताऊँगा कि वो कितने लोगों से परिक्रमा कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहा था, यहाँ पे मेरे को एक अंकल जी मिल गए हैं। यहाँ पे ये आपके कौन है? बेटी और दामाद। तो ये यहाँ पे कौन सी परिक्रमा कर रहे हैं? गोवर्धन बाबा की। तो यहाँ पे अच्छा, तो ये कितने दिनों से लगे हुए हैं अभी तक? सर परसों शाम को रात को 11 बजे हमने स्टार्ट की जी। और 4-5 दिन लग जाते हैं। और मतलब अभी कितने किलोमीटर और बचा है? अभी तो बड़ी परिक्रमा घट रही है। अच्छा, और इसमें घट रहा है 2-3 किलोमीटर। अच्छा, अभी वन थर्ड लगेगा अभी। तो गाइस देख सकते हैं मतलब 4-5 दिन लगते हैं, जैसा कि अंकल ने बताया। बंसीवाड़े की कृपा है, अपना आप लगती जाती है परिक्रमा। बिल्कुल, ये तो बात है आपकी, बंसीवाड़े की ऐसी कृपा है, कोई परेशानी नहीं आया सर। बिल्कुल, धन्यवाद अंकल जी, आपने हमें बताया इतना। इतना आनंद आता है परिक्रमा में, भगवान राधा रानी की बंसीवाड़े की ऐसी कृपा है, जो कोई परेशानी को ना, जगह जगह धर्मशाला, आराम से रुको, बिल्कुल खाओ, हम सारा सामान लाए बोलोरो में, और भी बच्चे हैं मेरे आगे। अच्छा आगे हैं, बढ़िया है। राधा कृष्ण की जय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हमारे अंबर भांजे जैसे एक से एक चिल्ली थे, ठीक है। तो वो थे मुगेरी लाल की तरह हसीन सपने देखते थे। उन्होंने क्या किया, मजदूरी की पूरे दिन मजदूरी करने के बाद उन्हें 50 पैसे जो है मजदूरी के रूप में मेहनताना मिला। 50 पैसे जब मेहनताना मिला तो उन्होंने फिर सोचने लगे, इन पैसों का मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने फिर प्लानिंग बनाई कि इस 50 पैसे से मैं एक मुर्गी का अंडा खरीदूंगा, और उसमें से जो है मुर्गी के अंडा खरीदने के बाद उसको जो है मैं उसमें से बच्चे मतलब जो है निकलवाऊंगा। फिर उन्होंने मुर्गी के नीचे वो अंडा रख दिया, उसमें से बच्चा निकला, वो भी मुर्गी का बच्चा निकला। मुर्गी निकलने के बाद उन्होंने उसकी प्लानिंग बनाई कि अब जो है मुर्गी के बच्चे से फिर मैं मुर्गी और करूंगा, तो और बच्चे निकलेंगे। और बच्चे निकलवाए, मन में सोचते हैं खाली वो। अच्छा, अब वो काफी सारी मुर्गियां हो गई, बोलते मन में खाली। अच्छा, और मुर्गियां जब ज्यादा होने के बाद उन्होंने सोचा अब मैं इससे बकरी खरीदूंगा। अब बकरी फिर बकरी के बच्चे होंगे, और जब बकरी के बच्चे होंगे फिर मैं उससे भैंस खरीदूंगा, फिर भैंस के बच्चे होंगे, फिर मेरी हो जाएगी शादी। शादी होने के बाद जो है फिर मैं अपने जो है रमाचैनी से अपनी जिंदगी को एंजॉय करके जीऊंगा, फिर मेरे बच्चे होंगे। और बच्चे होंगे जब बेटा बड़ा हो छोटा होगा और वो कहेगा पापा पापा पैसे दे दो, तो मैं उसको डंडा लेके भागूंगा, के पैसे है कितनी मेहनत से मैंने कमाए हैं। बेचारे के वो अंडा लिए हुए हाथ में थे, वो जो है धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उनके सपने सब मुगेरी लाल की हसीन सपनों की तरह
सब चकनाचूर हो गए। टूट पड़े एक हमारे अंबर जी हैं अंबर इतना अंडा फूट गया अंडा फूट गया गाइस बेबी का रो रहा। अर्जुन भाई कैसा लगा तुम्हें भी करना है क्या? तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं बाकी बिहारी टेम्पल। हम सुबह भी यहाँ पे आए थे लेकिन दर्शन नहीं मिले तो हम चले गए थे। अब भाई अर्जुन भाई बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उन्होंने एक बड़ा काम कर दिया। एक काम बताओ भाई तुमने क्या किया? बताओ काम नहीं हुआ चल चुप। अरे बता दो यार जल्दी चले इतनी ज्यादा जल्दी हो रही। तो इनने क्या था पार्किंग मशीन 100 रुपए के 2 घंटे थे तो अर्जुन भाई ने 50 रुपए में 2 घंटे करवा लिए। मतलब कुछ ज्यादा ही काबिल बन रहे हैं भाई। अभी हम अंदर जा रहे हैं ये फ्रंट गेट मंदिर का। अर्जुन भाई शर्मा रहे हैं क्योंकि मैं पब्लिक में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। क्या कर रही हो? मुझे शर्म आ रही है। अर्जुन भाई एक सीन दो सिनेमैटिक वाला। जाओ आगे जाओ जल्दी आगे जाओ आ जाएगा। अब एक बार घूमो एक बार घूम दो। गजब बेइज्जती है। अरे अर्जुन अरे यार देखिए सर कितना शर्मा रहे हैं। और मंदिर की गलियां यहाँ पे आप कपड़े वपड़े भी खरीद सकते हैं देख सकते हैं क्यूट क्यूट लड़कियां। और कॉफी केसर दूध और चाय दूध वाली चाय कुंज गलियों में। तो गाइस सीन यहाँ पे हो गया। मैं तो चाह रहा हूँ यार कोई लेके जाए फोन तभी नया आए। ऐसे ब्लॉग करते करते थक गया हूँ ना मैं। तो गाइस सिस्टम यहाँ पे हो गया। बंदर ने ले लिया चश्मा और लोग कह रहे हैं फोन भी ले जाएगा। तो गाइस भीड़ चेक करिए 10 फीट की गली पूरी भरी हुई है। लोग आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं। जो उधर से आ रहे हैं वो लोग हैं जो दर्शन नहीं कर पाए डीमोटिवेट हो गए भीड़ को देख के और वो वापस आ रहे हैं। तो देखते हैं हमें दर्शन मिल पाएंगे या नहीं क्योंकि भीड़ तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हमें तो दर्शन मिल नहीं पाए यहाँ पे बहुत सारा हूँ। अर्जुन भाई गए हैं दर्शन करने के लिए अभी आए हैं वो आते हैं फिर उनसे पूछते हैं कैसे हुए दर्शन। तो पहले मोमोज खाता हूँ मैं और उसके बाद बात करते हैं अर्जुन भाई से। सो फाइनली गाइस घर पे आ चुके हैं। मुझे तो दर्शन नहीं मिले अर्जुन भाई को दर्शन मिले। वो बता रहे थे कि बहुत ज्यादा सुंदर हुए दर्शन और भाई मंदिर भी बहुत अच्छा सजा हुआ था। ये क्लिप निकाली अर्जुन भाई ने आप इसको देखिए कि कितना बढ़िया सजा हुआ था मंदिर। और मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि यार अगर आप दर्शन करने आ रहे हो तो सैटरडे संडे और एकादशी वाले दिन अवॉइड करिए क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है। हर जगह से लोग आते हैं। लोग तो वैसे भी आते हैं लेकिन कुछ ज्यादा ही भीड़ होती है वीकेंड्स पे क्योंकि लोग फ्री भी होते हैं। मैं आपको कहूंगा कि वीक डेज पे आए और क्या कहते हैं थोड़ा सा संभल कर आए और बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट और मोटिवेशन मिलती है आपके एक सब्सक्राइब से और एक लाइक से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय। We're the ones who